ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर हजार से भी ज्यादा निशान। GS Score. हेलो, मेरा नाम विदुषी सिंह है। मेरी अभी UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं अभी, एंड मुझे ऑल इंडिया रैंक 13th मिली है। एंड मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, एंड थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विद सेइंग दैट बहुत एक तरीके से स्केप्टिसिज्म है इस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेके, बिकॉज लोग समझते हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ऑनेस्टली इट्स वेरी मच डूएबल। मेरे बहुत डिसेंट स्कोर आए हैं, मेरे टोटल है 276, आई स्कोर्ड 141 इन पेपर वन एंड 135 इन पेपर टू। एंड दिस ईयर्स इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स एंड प्रूफ्स भी आए थे, सो इट्स अ वेरी स्कोरिंग पेपर। अगर आप अच्छे से राइट सोर्सेज और अच्छे से PYQs पढ़ के आंसर राइटिंग करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, सो यू कैन स्कोर रियली वेल इन दिस एग्ज़ाम एंड इन दिस पेपर एज वेल। सो कमिंग ऑन टू मेरा एक ब्रॉडर प्लान, मैं अगर ब्रीफ ओवरव्यू दूँ तो मैंने नेक्स्ट IS से एक 4 months का ऑनलाइन कोर्स किया था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, एंड दिस वॉज अगेन इन द ड्यूरेशन ऑफ जून 2021 टिल अक्टूबर 2021, एंड डॉक्टर विभास झा का कोर्स था वो, एंड दैट रियली हेल्प मी आउट, बिकॉज मुझे एक तो अपने हैंडआउट्स और नोट्स मिल गए हैंड रिटन, एंड एटलीस्ट पेपर वन के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था मेरा टास्क। बट अगेन दिस इज़ नॉट टू से कि कोचिंग बहुत नेसेसरी है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने जनरल स्टडीज़ खुद से किया था पूरा, सो आई थॉट इकोनॉमिक्स के लिए आई कैन गो फॉर गाइडेंस, एंड अगेन दिस स्टडी वर्कड इन माई फेवर इज़ वेल। बट अगेन बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी हैं जो हर साल स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़कर ये एग्ज़ाम विदाउट एनी कोचिंग स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल निकालते हैं। अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे टॉपर्स के ब्लॉग्स हैं जो मैंने भी फॉलो किए, स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक अभिमन्यु गहलोत सर, ही हैड अ रियली गुड रैंक इन 2015। उसके बाद कुमार अनुराग सर, ही इज़ अगेन एन एलम ऑफ माई कॉलेज इट्सेल्फ, यश जालुका सर, एंड आई थिंक हिज नोट्स वर इमेंसली हेल्पफुल। इनफैक्ट पेपर टू के मेरे जितने भी नोट्स हैं, एक तरीके से अपार्ट फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ माई नोट्स, जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो यश जालुका सर के नोट्स से ही हुआ है। एंड एवरी ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर इज़ वेल, इशिता राठी मैम स्कोर्ड अ रियली गुड रैंक, उन्होंने भी आई थिंक खुद से ही किया था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, सो इट्स वेरी मच डूएबल। मैं अपने फुल डिस्क्लेमर इसलिए दे रही हूँ कि मैंने गाइडेंस ली थी, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स अगेन मैनेजेबल बाय योर ओन एज वेल। बट अगेन टू से कि सिर्फ कोचिंग ही नहीं ली थी, बहुत सारी चीज़ें खुद से भी की अपार्ट फ्रॉम वट एवर लेक्चर्स। तो बेसिकली 2.5 घंटे की क्लास होती थी डेली ऑप्शनल की, एंड आई मेड श्योर दैट आई वॉच्ड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि ऑनलाइन मोड से ही इंटरेक्शन था जितना भी था, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर 2x की स्पीड पे देखती थी, तो वर्चुअली 1.5 घंटे की क्लास मैं लगाती थी। एंड उसके अलावा डेली आई यूज़ टू पुट इन 2-2.5 hours एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ द क्लास, जो कि रिविजन में जाता था। एंड अगेन जो भी क्लास पे विभास सर ने पढ़ाया होता था, आई मेड श्योर कि मैं उसे स्टैंडर्ड सोर्स से भी पढ़ रही हूँ। अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ पेपर वन के लिए, तो अगेन देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन पेपर वन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आई फॉलोड HL Ahuja, इट्स अ वेरी बल्की बुक, बट क्योंकि बहुत रेपिटेटिव है और बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्चुअली इनकरेक्ट भी हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। इसके लिए अगर आप चाहे तो अभिमन्यु गहलोत सर के नोट्स देख सकते हैं, उनके माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी माइक्रो नोट्स हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। For macro economics, I read Froyen, as well as selectively I read portions of HL Ahuja along with the coaching handouts and my own notes. And also I made sure कि जैसे ही क्लास खत्म हो रही है, तो जो भी मैं additional चीज़ पढ़ रही हूँ जो क्लास में मिस हो गया या handouts में मिसिंग है, I am adding all of those things in my notes.
एंड दीज वर ऑफलाइन नोट्स, मतलब हैंड रिटन नोट्स थे ये सारे. अगेन कमिंग ऑन टू सोर्सेज, पब्लिक फाइनेंस के लिए आई डिड नॉट रियली फॉलो अ लॉट ऑफ सोर्सेज. आई रिलाइड मोस्टली ऑन माई डी यू रीडिंग्स. हेनरिक्स एंड माइल्स के बहुत सारे अच्छे पेपर्स हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स के, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बाय एलेनोर ऑस्ट्रिम, जो हम डी यू में स्टैंडर्ड रीडिंग्स हैं हमारी. तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बार रिविजिट कर ली थी. बट अगैन पब्लिक फाइनेंस के बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं. सो अगैन वे योर ऑप्शंस एंड जैसा भी आपको ठीक लगे यू कैन फॉलो एनी अदर सोर्स एज वेल. पीपल सजेस्ट एच एल भाटिया, बट अगैन ये इसलिए भी है क्योंकि एक साल आई थिंक वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आ गया था, विच वॉज डायरेक्टली फ्रॉम एच एल भाटिया. तो यू कैन गो फॉर दैट बुक, बट अगैन जस्ट वे आउट योर ऑप्शंस क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होगी वो बुक अकॉर्डिंग टू मी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सैल्वेटोर इज द गो टू बुक. उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी अपार्ट फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव अटैक्स, जो एक टॉपिक है. उसके लिए यू हैव टू रीड पॉल क्रुगमैन का एक अपेंडिक्स. आई डिड नॉट हैव द टाइम टू रीड दैट, सो मैंने एक आंसर्स देख लिए थे प्रीवियस क्वेश्चंस के कि स्पेक्यूलेटिव अटैक के क्या क्या, मतलब कैसा मॉडल है, क्या अजम्पशंस हैं. आई मेड माइक्रो नोट्स ऑफ दैट. उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आई डिड नॉट हैव अ स्टैंडर्ड सोर्स. आई मोस्टली रिलाइड ऑन माई कोचिंग नोट्स एंड विभास झा सर के हैंड आउट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, काफ़ी ज़्यादा देवराज डे के जो भी रीडिंग्स हमने कॉलेज में पढ़े थे, लुई मॉडल या सोलो मॉडल, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मैंने एक बार अपनी रीडिंग्स भी देख ली थी. एंड आई कंपाइल्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इन माई ओन नोट्स. एंड वन ट्रिकी थिंग, सॉरी वन डिफरेंट थिंग दैट आई डिड वॉज की जो भी मेरे नोट्स होते थे, जो भी एडिशनल वैल्यू एडिशन पॉइंट होता था, आई यूज़ टू टेक अ स्टिकी नोट एंड जस्ट एडिड ऑन टॉप ऑफ वेर एवर आई हैड रिटन जो भी अपना टॉपिक के बारे में मैं लिख रही थी. ऐसे करके मेरे पास कंसोलिडेटेड नोट्स रेडी थे डिसम्बर 2021 तक. एंड अगैन दिस इज़ नॉट टू से कि आप सिर्फ नोट्स बना सकते हैं. पेपर वन के लिए आई डिड रिगरस आंसर राइटिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड इसके लिए आई वुड से कि एक ई बुक है बाय अभिषेक दुधाल सर, एंड ही हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्जाम दिस ईयर विद अ वेरी गुड रैंक. तो यू कैन डेफिनेटली परचेज दैट ई बुक. एंड देर इज ऑल्सो अ टेलीग्राम ग्रुप एंड इट्स अ वेरी गुड कम्युनिटी. उसमें आपको सोल्यूशंस अच्छे से मिलते हैं. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. तो उसमें डिस्कशन होता रहता था कोई भी क्वेश्चन कैसे आंसर हो सकता है. एंड उसमें सर ने काफ़ी अच्छे से नोट्स दिए, नॉट नोट्स सॉरी आंसर्स दिए हुए हैं. तो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल. मैंने उनके आंसर्स को एज अ गाइडिंग लाइट लेके अपने आंसर्स खुद से लिखे दोबारा. एंड वर्चुअली मैंने, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है. एंड वर्चुअली पेपर वन की बात करूँ मैं अगर स्पेसिफिकली, तो 60-70% ऑफ क्वेश्चंस दिस ईयर फॉर 2022 वर रिपीटेड इन वन वे और अनदर. एंड बहुत ही अच्छा पेपर था इस साल का, तो बिकॉज देर वर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आस्ट, मिसराइजिंग ग्रोथ और ऐसे सब पूछ लिया था. तो बहुत अच्छा पेपर था. एंड अगर आपके इफ़ यू हैड बिन थरो विद योर नोट्स एंड थरो विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर राइटिंग, आई थिंक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में. अगेन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो नेक्स्ट आई एस का जो मेरा कोर्स था उसी में 8 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ थी. आई कुड नॉट राइट ऑल ऑफ दोज 8 टेस्ट. आई वॉज रियली शॉर्ट ऑन टाइम एंड बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज़्यादा लिखे हुए थे, सो आई हैड द फेथ इन माई प्रेपरेशन. तो मैंने 2 टेस्ट नेक्स्ट आई एस के लिखे थे. दोज वर सेक्शनल टेस्ट. फुल एंड टेस्ट लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था मेरे पास. एंड इसके अलावा आई ऑल्सो एनरोल्ड इन ब्लिस पॉइंट टेस्ट सीरीज. रविंद्र झा सर का कोर्स नहीं, टेस्ट सीरीज था ये. अगैन देर वर 12 टेस्ट आउट ऑफ विच आई कुड ओनली राइट 2 बिकॉज आई एनरोल्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर 16 से हमारे एग्जाम स्टार्ट थे. तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था. बट अगैन जो भी मॉडल आंसर्स आए उसमें ब्लेस पॉइंट के टेस्ट सीरीज में, दोज वर रियली हेल्पफुल. ओके नाउ कमिंग ऑन टू पेपर 2. तो पेपर 2 वाज आई थिंक द स्केरियस्ट पेपर फॉर मी इन मेंस स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन अगैन प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन पूछी जाती है. सो आई थिंक विभास झा सर का जो भी क्लासेस था उसमें प्री लिबरलाइजेशन फेज 47-91 के आई हैड नोट्स रेडी. बट आई गेस क्योंकि वी वर शॉर्ट ऑन टाइम, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना था, तो थोड़ा रश थ्रू हो गया था एंड में. सो अगैन इफ आई कम ऑन टू सोर्सेज, मैंने प्री इंडिपेंडेंस के लिए तीर्थांकर रॉय पढ़ी थी कवर टू कवर. इट्स अ वेरी गुड बुक एंड आई मेड नोट्स आउट ऑफ इट. उसके अलावा एंड आई मेड मतलब एक ही बार वो बुक पढ़ी एंड दोबारा आई डेंट टच इट. वही नोट्स मैं बार बार देखती रही. उसके अलावा फॉर योर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ने की कोशिश की. बहुत सिलेक्टिव रीडिंग की उमा कपिला की शॉर्ट अब्रिज्ड वर्जन की, परफॉर्मेंस इन पॉलिसीज़ का जो भी न्यूएस्ट एडिशन था उमा कपिला की बुक की.
एंड वन वरी बल्कि बुक दैट आई रेड वाज मिश्रानपुरी एंड द नोट्स फ्रॉम मिश्रानपुरी बुक आई थिंक दोज वर द बेसिक स्केलेटन ऑफ माई नोट्स. मैंने उसका नोट्स अच्छे से बनाया एंड देन आई डिड वैल्यू एडिशन फ्रॉम यश जालुका सर्स नोट्स फॉर ईको पेपर टू एंड ऑल्सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. आई थिंक लास्ट ईयर पेपर टू के हाइएस्ट स्कोरर अमन अग्रवाल उन्होंने ही इज़ माई क्लासमेट फ्रॉम कॉलेज सो ही वॉज काइंड इनफ टू शेयर हिज चेक्ड आंसर स्क्रिप्ट ऑफ ही ऑल्सो एनरोल्ड इन ब्लिस पॉइंट टेस्ट सीरीज. तो उसको देख के आई अंडरस्टूड कि किस चीज़ से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं पेपर टू में. सो पेपर टू की आंसर राइटिंग की बात करूँ तो आई कुड नॉट डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग फॉर पेपर टू बट अगैन आई हैड ऑल्सो एनरोल्ड इन अनदर कोर्स एट नेक्स्ट आईएएस विभास सर की गाइडेंस में ही. इट वॉज अ मेन्स एडवांस्ड कोर्स तो उसमें देर वर अराउंड 20 लेक्चर्स जिसमें सर हैड गिवन सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो क्योंकि मैंने पेपर वन का ये एक्सरसाइज ऑलरेडी किया हुआ था सो दिस प्रूव्ड इमेंसली हेल्पफुल फॉर पेपर टू स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे पास एक ब्रॉडर कैसे आपको आंसर राइटिंग अप्रोच करनी है स्केलेटन ऑफ आंसर्स रेडी थे. और उससे क्या होता है कि आप बेसिकली जैसे ही क्वेश्चन देते हैं देखते हैं एग्जाम हॉल में बिकॉज यू आर सो शॉर्ट ऑन टाइम तो आपको बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं होता कि आप कैसे स्ट्रक्चर करेंगे. दिस इज समथिंग दैट इज ऑटोमेटिक इट शुड कम ऑटोमेटिकली. तो ये एक्सरसाइज जो स्केलेटन बनाए मैंने उस आंसर्स के उससे ये हो गया कि आंसर राइटिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी. एंड देन अगेन थ्रू ऑल द सोर्सेज आई मेड श्योर कि मेरे सारे आंसर्स में मैं इकोनॉमिस्ट्स कोट कर रही हूँ काफ़ी सारे. एंड अगेन आप देखेंगे अगर तो एग्रीकल्चर में टू कोट अशोक गुलाटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप उनको कोट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में यू कैन कोट अमर्त्य सेन जॉन ड्रेस अभिजीत बैनर्जी उनके पेपर्स. टॉकिंग अबाउट सर्विसेज सेक्टर तो आपकी रूपा चांदा प्रोफेसर चांदा के पेपर्स को आप कोट कर सकते हैं. सो कोटिंग इकोनॉमिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस रियली डिड वंडर्स फॉर मी. एंड इसके अलावा डेटा और टेबल्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आई रिमेंबर देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि कैसे लास्ट 4 decades में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है हमारी नेशनल इनकम का. सो आई सिंपली ड्रू अ टेबल एंड आई थिंक दैट रियली इट रियली हेल्प्स द एग्जामिनर एज वेल क्योंकि अगर आप उसको बहुत वर्बोस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो आप एग्जामिनर का टास्क बढ़ा रहे हैं. सो मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें जो जीएस में करते हैं वो उसका बहुत ही रिफाइंड वर्जन और बहुत ही डेप्थ में आप वही सेम चीज़ें पेपर टू के लिए भी करें. एंड दीज वर द ब्रॉडर थिंग्स दैट आई डिड एंड ऑल इन ऑल आई थिंक दिस ऑप्शनल इज़ वेरी स्कोरिंग अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं. You have your notes ready. You have internalized previous year questions really well. Practice them. तो बहुत ज़्यादा helpful होता है ये. And I hope through this video आपको थोड़ा guidance मिलेगा कि कैसे economics optional को approach करना है. And I'll also try sharing my notes if possible through some online forum, either a blog or any other source. तो I'll try to do that so that it helps a lot of people because इकोनॉमिक्स अगैन एज आई सेड इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट. अगर आप इसको लेते हैं तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर रियली गुड मार्क्स. एंड आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू रियली फाइंड सम गाइडेंस फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शन. सो थैंक यू.